जिले की करैरा विधानसभा में मौजूद है। और करैरा विधानसभा में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में है, जो मुख्य मुकाबला है। और कांग्रेस ने प्रागीलाल जाटव को चुनाव मैदान में उतारा है और बीजेपी से रमेश खडिक को टिकट दिया गया है। यहाँ चुनावी माहौल भी गर्म है और त्योहारों का जो सीजन है, दिवाली नजदीक आ रही है, उसको लेकर खरीदारी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो खरीदारी करते हुए बाजारों में नजर आ रहे हैं। उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि चुनावी माहौल क्या है। आप बताएंगे सर कि जो चुनाव है करैरा का, उसमें मूल मुद्दा क्या है? नरेंद्र मोदी मुद्दा है। इसके अलावा अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे में देखो भाई, मैं आपको बता दूं, भैया विधायक कोई भी बने, करैरा में विकास आज तक ना हुआ है, ना आगे हम आशा रखते हैं कि हो सके। शायद मैं तो आशा नहीं करता, शायद करैरा में कोई विकास आज तक नहीं हुआ। किसी भी एंगल पे देखें आप, चाहे सड़क पे हो, चाहे नल हो, बिजली हो, किसी भी एंगल पे कोई विकास नहीं, पार्क हो। ऐसा क्यों? यहाँ का सिस्टम क्या है? यहाँ लोग सीधे लोग हैं, जो मान लो विधानसभा यहाँ की सीधी है, यहाँ का बाजार व्यापारी सीधा है, ये यहाँ कोई विकास नहीं। विकास के बारे में तो आप कह रहा हूँ किसी भी जगह निकल जाओ, विकास की तो कोई कह ही नहीं कि विकास कह रहा हो रहा है। वहां पत्रकार महोदय आ गए एक बार, वो भी बता देंगे कि यहाँ विकास है ही नहीं। करैरा में कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ। कुछ महिलाएं भी हैं जो खरीदारी कर रही हैं। आपसे नाम पूछना चाहेंगे, आपका नाम बताएंगे आप? जो करैरा में मुद्दे हैं आपको घर गृहस्थी से जुड़े हुए, वो मुद्दे कौन कौन से बताएंगी थोड़ा सा? ठीक है, मोदी की सबसे प्यार मतलब भाजपा पे वोट देंगे, सब सही। अच्छा, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिल रहा है आपको? हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है आपको आसपास के माहौल में, मतलब आसपास लोग क्या बात कर रहे हैं? सब अच्छा है। बहन जी बताएंगी आप थोड़ा सा, आप नाम बताएंगे? ममता जी। तो ममता जी, चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान किस तरह के मुद्दे आपको देखने मिल रहे हैं? कौन सी समस्याएं हैं जो करैरा के लोगों को सामने देखना पड़ती है? मुद्दे तो जो ये कि अबे तो जो सब लाभ मिल रही है ना, आगे की आगे से जो सरकार आएगी अच्छा करेगी तो उनको वोट देंगे, नहीं करेगी तो गिर जाएगी सरकार। ये तो अभी किसको जोर चल रहा है, किस कौन उम्मीदवार दिख रहा है आपको आगे निकलता हुआ? अभी तो सर देखो पता नहीं है, अभी देखो अभी तो चुनाव में 10-15 दिन रखे हैंगे, 17 दिन, और देखेंगे जो उनकी मतलब उम्मीद होगी तो उसी को देंगे वोट। अच्छा, त्योहार भी साथ साथ आ रहे हैं और चुनाव भी साथ साथ आ रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब त्योहार आ रहा तो त्योहार भी देखना और चुनाव भी देखना, दोनों काम करने हैं। तो वोट भी करेंगी और दिवाली के दिए भी जलाएंगे? हाँ, दिए भी जलाएंगे। तो इनका कहना है कि वोट के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं हम दिवाली के त्योहार की तैयारियां भी करेंगे। आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपका नाम पूछेंगे, क्या नाम है आपका? गजेंद्र सोनी है। गजेंद्र जी, सोनी नाम है आपका, क्या करते हैं आप? काम करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या देख रहे हैं आप? माहौल शांति रहता है, वैसे ही रहता है। अच्छा, इसमें जो बीजेपी और कांग्रेस में से कौन आगे दिखाई दे रहा है आपको? तो बीजेपी दिखाई दे रही है। कारण क्या बताओ? कारण जी मालूम नहीं है, लेकिन बीजेपी दिखाई दे रही है। अच्छा, सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो लोग सरकार की बात करते हैं? हाँ, करते हैं बीजेपी की। अच्छा, तो जो ग्राहक आते हैं वो ग्राहक भी किस तरह की बात करते हैं आपसे? दोनों बात करते हैं, कोई कांग्रेस की करता है, कोई बीजेपी की करता है, दोनों की बात करते हैं। और मुकाबला कैसा रहेगा दोनों में? मुकाबला बीजेपी का है, मुकाबले में बीजेपी आगे रहेगी। अगर हम आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जरा भैया रोकना एक मिनट, तो आप ऑटो चलाते हैं, तो ऑटो कब से चला रहे हैं आप? 3 महीने से। तो ऑटो 3 महीने चला, कितना कमा लेते हैं? 500-600 रुपए। तो इसमें चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है? बीजेपी। अच्छा, क्यों जीत रही है बीजेपी? बीजेपी अच्छा काम करती है। अच्छा, वर्तमान में जो विधायक हैं आपके, वो भी बढ़िया है, वो भी बढ़िया है। तो मुकाबला कैसा दिख रहे हैं आप? अभी तो कुछ पता नहीं है, जब आएगा चुनाव का टाइम तो। और हम कुछ दुकानदारों से यहाँ बात करते हैं, आपका नाम जान सकते हैं सर? हम मोहम्मद जैस जी, आप बताइए कि करैरा के मुद्दे क्या होने चाहिए? सबसे पहले विकास। आप यहाँ पर कच्ची गली, मेन कच्ची गली है, आप यहाँ पर देख लीजिए दोनों का क्या हाल है। सब लोग कहते हैं हम विकास करेंगे, जीतने के बाद अपने घर पर बैठ जाते हैं, ना कोई ढकने आता है, ना कोई अब चुनाव आते हैं, सब लोग यही आते हैं ढकने के लिए। अभी मेन गली है, यहाँ पर आप देख लीजिए कितना विकास है, नलियों का हाल देख लीजिए, कोई कुछ नहीं है। इसलिए इस बार कांग्रेस सर भाजपा को बिल्कुल। तो आपने अपने जो समस्याएं हैं उनको, समस्याओं को लेकर के कभी सरकार प्रशासन के सामने बात रखी? सब रखी, सब ने किया है, कुछ ने सब गए हैं, ये हाल देख लिए, तारों के हाल, कुछ तार मत टूटे किसी के ऊपर तो क्या हाल होगा, आप देख लीजिए, खुद देखो आप, ये हाल है। इसलिए कांग्रेस चेंज होनी चाहिए, इस बार सरकार चेंज होनी चाहिए। तो इनका कहना है कि बहुत सारी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर के कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दिया जाता। और अगर हम कुछ लोगों से बात करें, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपका नाम जानने की बात करें, तो आपका नाम क्या है? पवन गुप्ता। पवन गुप्ता जी, तो पवन गुप्ता जी क्या
मुद्दे हैं करेरा के? वैसे देखा जाए तो बीजेपी ही आएगी, क्योंकि मेन उम्मीदवार जो है वो सब बीजेपी को जो वोट देते हैं वो मोदी को देख के देते हैं, क्योंकि हर किसी की लहर है मोदी सरकार चाहिए। अगर मोदी सरकार के पास फिर यहाँ पे जैसे यहाँ जो प्रेजेंट में विधानसभा है, विधानसभा 23 में, तो यहाँ पे रमेश खटीक जी खड़े हुए हैं जो कि बिल्कुल सही उम्मीदवार है और लगता है कि अधिकतर वो जीतेंगे और 20,000 प्लस वोटों से उनकी जीत, क्योंकि वो आदमी सही है। पहले ही जैसे अभी पिछले बार जसवंत जाटव जी थे, फिर उनकी पार्टी का विरोध हुआ, वो पहले बीजेपी के आए, कांग्रेस के हुए, दल बदल हुआ, लेकिन इस बार जो है रमेश खटीक है वो 100 तौर पर निश्चित तौर पर एक तरह से बीजेपी को मिलेगा। और जो भी इनको वोटिंग मिलेगा, सबसे पहले लहर ये होती है कि मोदी जी चाहिए हमें, बीजेपी चाहिए उनको, दावेदार कोई होने उससे मतलब नहीं, वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि उनको मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ही विकास करती है। तो देख रहे हैं आपके लोग जो हैं वो बटे हुए हैं कहीं ना कहीं, और कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस जीतेगी और कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी जीतेगी। बहरहाल इतना जरूर कह सकते हैं कि इस करेरा विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। अब नतीजे 3 तारीख को क्या कहते हैं, इसका इंतजार आपको और हमको करना होगा। शिवपुरी की करेरा विधानसभा की चौपाल से आज इतना ही। अतुल गौड़, NDTV।